देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। झालावाड़ जिले के अकेरा कस्बे में आज तरीबती मीना समाज द्वारा झारखंड अथरू बारान जिले में कंवर लाल मीना और अन्य 6 कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर घेर लिया। मीना तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि यदि झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आगामी समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। द्वारका लाल मीना पूर्व अध्यक्ष अतरी बतीसा अकेरा ने कहा कि सरकार द्वारा झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो अतरी बतीसा मीना समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जुलूस मीना धर्मशाला अकेरा से प्रारंभ होकर रामद्वारा में बाजार अकेरा हनुमान मंदिर शाहिद चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। जुलूस में आदिवासी मीना समाज के कार्यकर्ता व महिलाएं शामिल दिखाई दी। इसमें सम्मिलित द्वारका लाल मीना पूर्व अध्यक्ष अतरी बतीसा मीना समाज अकेरा मनीषा मीना कार्यकर्ता व पंच सरपंच आदि जुलूस में दिखाया दिया। आज मीना समाज के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया कि संदर्भ में क्या मामला ये पिछले 24 तारीख को जब दिनेश मीणा का अत्याचार हुआ था उस पर लाठियों से उसको वार करके घायल किया था और पिछले चार पाँच दिन पहले उसकी हत्या हुई है। इस संदर्भ को लेकर कंवर लाल जी और अन्य मीणा समाज के जनप्रतिनिधि झारखंड पहुंचे थे अंतिम संस्कार में। उसको लेकर प्रमोद भैया के षड्यंत्र पूर्वक उसके आदमियों से बस चलाई गई और झूठा मुकदमा जनप्रतिनिधि जो मीणा समाज से यहाँ से गए थे उनको ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किए गए। इस संदर्भ में अकलेरा मीणा समाज द्वारा ये यहाँ पर SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदय के नाम। इसकी केस वापस लो। तो इस आक्रोश को देखते हुए अगर 7 दिन में अगर इस केस को झूठा मुकदमा को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे हाड़ोती क्षेत्र में पूरे प्रदेश में मीणा आदिवासी समाज द्वारा पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आज ज्ञापन दिया गया इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी ये जो कि सर जो मीणा समाज और सभी हमारे साथ किसान संघ के भी जुड़े हुए हैं सभी ने मिलकर हमने क्या जो मीणा समाज के जो जनप्रतिनिधि थे उनको क्या षड्यंत्र के द्वारा रच के इन्होंने प्रमोद भैया ने उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं दिनेश मीणा और ये जो भी हैं मीणा समाज के जनप्रतिनिधि उनके ऊपर जो झूठे केस लगाए गए हैं उनको वापस लें। अगर सरकार ये नहीं लेती है मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम पूरे सर्व मीणा समाज मिलके और राजस्थान के अंदर नहीं जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ आंदोलन करेंगे उनके लिए। आपका नाम? भैरोलाल मीणा सर। आज जो आपने ज्ञापन दिया है ये किस संदर्भ में दिया था आपका ज्ञापन? एक ज्ञापन दिया है आज पूरी आंध्र प्रदेश मीणा समाज ने जो हमारे उम्मदन का नाम दिनेश मीणा को मारा गया ना वहाँ उसके खिलाफ अटरू में तो कंवर लाल मीणा और अन्य 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज प्रमोद भैया ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो वो मुकदमा वापस लिया जाए इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। और आगे अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पूरा राजस्थान में मीणा समाज आंदोलन करेगा और जो भी होगी जो नपटेंगे जो भी होगा। आपका नाम? आप मेरा नाम द्वारका लाल मीणा काजलिया और अध्यक्ष मीणा समाज अध्यक्ष। अरे छोड़ा हो गया फोटो आ जाओ सबको अरे पांच तो लो ना यार फोटो मोटे से भी ला लो पांच ला लो ना यहाँ से ला यहाँ से बुला लो।
साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। असनावत आईटीसी रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से ग्राम जूनाखेड़ा में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदर्शन खेत में किसान खेत दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों को प्रदर्शन खेत पर भ्रमण कराया गया। श्री सत्यनारायण पाटीदार कृषि विशेषज्ञ IIRD ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को काम करने के लिए योजना के अंतर्गत जलवायु अनुरूप खेती करना सिखाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम में चौड़ी नाली पद्धति से सोयाबीन की बुवाई की गई, जिससे ज्यादा वर्षा होने पर खेत से वर्ष जल की आसानी से निकासी हो जाती है। इस वर्ष 20-25 दिन से बारिश नहीं आने पर भी खेत में पर्याप्त नमी थी। प्रदर्शन खेत में चौड़ी नाली पद्धति अपनाने से सिंचाई की कम आवश्यकता होती है तथा सोयाबीन की उपज भी अधिक होती है। कार्यक्रम में कृषि विभाग से श्री रामबाबू पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक ने किसानों को प्रमाणित बीज का प्रयोग, तारबंदी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन अभियान की तलाई योजना पर जानकारी दी और श्रीमती सपना पाटीदार ने किसानों को सोयाबीन में समन्वित की बीमारी नियंत्रण पर बताया। किसान के द्वारा मृदा परीक्षण के अनुरूप खाद खेत में डाली गई, जिसका लेखा जोखा किसान डायरी में अंकित किया जा रहा है, जिसे उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप अंकित किए जा सके एवं प्रदर्शन खेत में अधिक उपज होने की स्थिति में इन क्रियाकलापों को पुनरावृत्ति की जा सके। ITC रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा झालावाड़ जिले के 201 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती करने हेतु मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यक्रम में FPO संचालक रामबाबू पाटीदार, सुपर चैंपियन किसान सहित गांव के 48 किसानों ने भाग लिया। वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज इकलेरा में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष परमानंद मीना के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि आज किसान को सभी तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश बहुत कम होने से राम के साथ साथ राज भी किसानों को दुख देने से वंचित नहीं रख रहा है, इसलिए किसानों से राम और राज दोनों रूसा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे किसान के प्याज के भाव कम होने के आसार ही जिसको हटाया जाए तथा राज्य सरकार के द्वारा किसानों को निर्धारित 7 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावे और सिंगल फेज 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। रोज रात को गांवों में खाना बनाने खाने के टाइम लाइट को काटा जाता है, जो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम रबी और खरीफ 2022-23 की किसानों ने व्यक्तिगत शिकायत करने पर भी कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों के संपूर्ण खसरा का क्लेम न दर्ज कर नाम मात्र का क्लेम का भुगतान किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए और व्यक्तिगत शिकायत की संपूर्ण पॉलिसी का भुगतान किया जाए। और वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अभी तक भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसको पाबंद करते हुए तुरंत जारी करवाई जाए एवं आपदा प्रबंधन राहत कोष से मिलने वाला मुआवजा 2022-23 खरीफ व रबी का नहीं मिला। खरीफ 2022 का कुछ किसानों को मुआवजा मिला और कुछ किसान अभी भी बाकी है। रबी 2023 का जिले के संपूर्ण किसानों का बाकी है, जिसको तत्काल दिया जाए। ज्ञापन में हेमंत पारिता, मोहन लाल सुजान, रामदयाल रामस्वरूप, सचिन सुरेंद्र, पिंटू सुरेश, नेमीचंद आदि किसान मौजूद रहे। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।